हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक ट्रैवलर। मिस्टिक ट्रैवलर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साउथ मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड में आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र बांद्रा बैंडस्टैंड से। देखिए खूबसूरत नज़ारा बैंडस्टैंड का, काफ़ी लंबी इमारतें और ये सी साइड भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। काफ़ी सुंदर समुद्र और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज लोग का भी घर इस बांद्रा बैंडस्टैंड परिसर में है, तो लोग और यह पर्यटक खासकर उन्हें भी उनका घर देखने के लिए भी बहुत आते हैं यहाँ पर बैंडस्टैंड में। और ये रहा समुंदर का खूबसूरत नज़ारा, और कपल अपना एंजॉय कर रहे हैं प्राइवेसी, और काफ़ी पर्यटक भी आए हैं। देखे पत्थरों में समुंदर का मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए बैंडस्टैंड की दीवार में लिखा हुआ है आई लव मुंबई, और देखिए खूबसूरत नज़ारा ताज लैंडसेंड का। बैंडस्टैंड से आप देख रहे हैं, यह है ताज लैंडसेंड होटल जो लाखरी में दिख रहा है आपको। फिर से खूबसूरत नज़ारा समंदर का। और हम आ गए हैं माउंट मैरी चर्च, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये माउंट मैरी चर्च इसलिए भी फेमस है क्योंकि हर साल सितंबर के महीने में मदर मैरी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और उनकी याद में यहाँ एक काफ़ी खूबसूरत मेला लगता है जिसे कि माउंट मैरी मेला बोलते हैं। इसे हर जाति और धर्म के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और काफ़ी सुंदर फेस्टिवल होता है और बड़ा आनंद आता है सभी को। तो आप भी ज़रूर आइएगा माउंट मैरी फेस्टिवल के। और आप भी अगर चर्च में कैंडल चढ़ाना चाहते हैं तो ये शॉप्स में से आप कैंडल वगैरह ले सकते हैं, और काफ़ी गिफ्ट आइटम्स भी यहाँ मिलते हैं, तो आप इन शॉप से ज़रूर ख़रीदिए। और माउंट मैरी चर्च के पास से हम जैसे ही थोड़ा आगे बैंडस्टैंड के आगे बढ़ेंगे तो ताज लैंडसेंड ये 5-स्टार होटल आपको मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत है और जो समुंदर के सामने है ठीक। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ऊपर कड़ेश्वरी माता का लेफ्ट में मंदिर है, और राइट में सामने बांद्रा फोर्ट है, यानी कि बांद्रा फोर्ट। और ये है बांद्रा फोर्ट का बांद्रा फोर्ट गार्डन, जो इसी परिसर में पहले आता है, और यहाँ से समुंदर का विहंगम दृश्य आपको बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। और ये है वो गार्डन यानी कि फोर्ट गार्डन, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत हरा भरा नज़ारा है दाएं बाएं दोनों तरफ। यही है वो बांद्रा फोर्ट गार्डन, जो कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक ही हर दिन चालू रहता है, तो आप इसी समय अगर आएंगे तो इसी समय घूमने को आइएगा यहाँ पर। और आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो बांद्रा फोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही पुराना प्राचीन किला है ब्रिटिश शासनकाल की तरफ, यानी कि पोर्तुगीज राजाओं ने इसे अपने शासनकाल में बनाया था, जो कि ठीक समुंदर के सामने पड़ता है, और इसी को ही लैंड्स एंड भी बोलते हैं, यानी कि इसके आगे कोई लैंड नहीं है, इसीलिए इसका नाम लैंड्स एंड भी कहा जाता है। और ये किला अभी यंगस्टरों में काफ़ी प्रचलित है, यानी कि एक तरह से अभी इसे लवर पॉइंट्स के रूप में भी काफ़ी फेमस है, और कपल्स लोग भी आते हैं एकांत शांति से यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुकून और शांति से बैठने को जगह नहीं मिलती है, खासकर लवर्स लोग के लिए, तो ये लवर्स पॉइंट इसीलिए कहा जाता है, और अभी इसी के लिए ये खास करके फेमस है।
और वैसे काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं, तो आप आ सकते हैं। और काफ़ी अच्छी जगह, और यहाँ बेंचेस भी है कि आप समुंदर का आनंद भी यहाँ बैठकर उठा सकते हैं। और ये किला वाकई में बहुत ही खूबसूरत और एकदम प्राचीन काल का है, तो उसे देख के भी आपको बड़ा आनंद आएगा। यहाँ देखिए यंगस्टर सेल्फी खिंचा रहे हैं, और यहाँ काफ़ी फिल्मों की यानी कि हिंदी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे होती है, काफ़ी वीडियो सॉन्ग वीडियो एल्बम्स भी यहाँ बनते हैं। तो ये एक फेमस यंगस्टर टूरिस्ट स्पॉट भी कहा जा सकता है इसे, और वैसे सभी लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत भी है, देखिए कितनी खूबसूरत ये पहाड़ी, यानी कि किला काफ़ी पुराने ज़माने का है, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल यानी कि पोर्तुगीज राजाओं ने इसे बनाया था अपने शासनकाल में। और देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा समुंदर का नज़र आ रहा है, और लोग समुंदर के आगे भी पत्थरों में बैठकर भी समुंदर का ठंडी ठंडी हवा का आनंद इस गर्मी में अपना लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आपको भी अगर यहाँ आना है तो आप ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए वाकई में ये काफ़ी खूबसूरत किला है, यानी कि इसकी भी नक्काशी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये देखिए पुर्तगाली में कुछ इसमें लिखा हुआ भी है, आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ, लेकिन कैमरे में साफ साफ नज़र नहीं आया क्योंकि काफ़ी बारीक लिपि लिखी गई है, और ये पुर्तगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये खूबसूरत नज़ारा बांद्रा ओवरली सीलिंग का जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, यही वो बांद्रा ओवरली सीलिंग है जो मुंबई सबर्ब को साउथ मुंबई से जोड़ता है, तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है, और मुंबई की ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक एकदम लाभदायी है। फिर से एक बार खूबसूरत नज़ारा समुंदर का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और पर्यटक काफ़ी आनंद उठा रहे हैं वहाँ दरिया का। वाकई में ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, और ये ब्रिज तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ब्रिज के नीचे से ये बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, देखिए आप भी। वाकई में बहुत खूबसूरत नज़ारा समुंदर के ऊपर का ये सीलिंग ब्रिज। और फिर से आपके सामने नज़र आ रहा है बांद्रा फोर्ट का खूबसूरत नज़ारा, और आसपास का परिसर यानी कि ये गार्डन चौपाटी जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। काफ़ी विहंगम दृश्य समुद्र का ये किले से नज़र आ रहा है, और सी लिंक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और आइए आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ ये सीलिंग में गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, देखिए बसें जा रही हैं। यहाँ सिर्फ व्हीकल्स को ही अलाउड है, यानी कि पैदल यात्री नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कार ही अलाउड है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था पहले कि एक रास्ता लेफ्ट को फोर्ट के बाजू से जाता है, वो माता कंडेश्वरी देवी के लिए जाता है, तो आइए हम सीढ़ी से ऊपर माता कंडेश्वरी के दर्शन के लिए चलते हैं, और आप भी माता के दर्शन कीजिए मेरे साथ। तो ये है माता कंडेश्वरी का देवी का मंदिर जो आपके सामने नज़र आ रहा है, जो कि लैंड सैंड यानी कि समुंदर के ठीक आखिरी छोर में बसा हुआ माता जी का एक अति सुंदर मंदिर है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए लैंड सैंड और ये ब्रिज सी व्यू लिंक जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है मंदिर परिसर। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।